हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.3। यदि आपने एक्सरसाइज 7.1 एवं एक्सरसाइज 7.2 का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 10 बताने वाले हैं। यदि आपने एक्सरसाइज 7.3 में 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन नहीं देखा है तो वो क्वेश्चन को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 10 sin(4x dx), इसका इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों ध्यान से देखिए, इधर sin(4x tan(x dx) है तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे तो ध्यान से यहाँ पर आप देखिए, साइन के पावर में 4 है तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि sin²x और इसका स्क्वायर और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, डी एक्स। तो यहाँ पर 2 से 2 में मल्टीप्लाई की जगह कितना आ जाएगा, 4 आएगा, यानी कि जैसे था उसी प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर अगर a का इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 cos 2a/2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर ए का इंटीग्रेशन करना होगा कभी भी तो आप हमेशा अप्लाई कीजिएगा फॉर्मूला को 1 cos 2a/2, यानी ए के स्थान पर इसमें क्या है दोस्तों, एक्स है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 1 cos 2a है तो ए के स्थान पर क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। तो इसका स्क्वायर और बटा में 2 और ये पूरा का स्क्वायर है तो पूरा पर स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, dx करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 cos 2x और इसका स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर क्या जाएगा दोस्तों, 4 जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, dx। तो इस 1/4 को आप बाहर भी कर सकते हैं। अब ये 1/4 मत समझिएगा, ये यहाँ पर कुछ नहीं था, क्या है, 1 रहता है तो इसको बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ बच गया 1 cos 2x और इसका स्क्वायर और इंटू में dx। तो अब यहाँ पर क्या करना है बताइए, यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये -b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। तो इसी को यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1/4, तो a के स्थान पर क्या है, 1 है, b के स्थान पर क्या है, cos 2x है। तो a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बीच में फॉर्मूला में प्लस है तो यहाँ +b², तो b के स्थान पर क्या होगा, कॉस, तो cos²2x और -2ab, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 होगा और इंटू में क्या जाएगा, cos²2x और इंटू में क्या जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/4 है, इसको आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट का उपयोग करेंगे और 1 dx लिख देंगे, प्लस में लिखेंगे cos²2x और इंटू में क्या लिखेंगे, dx, और -2 यहाँ पर कांस्टेंट है तो जब भी इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट आएगा तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, यानी -2 को बाहर कर देंगे तो cos²2x और इंटू में क्या आएगा दोस्तों, dx आएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि आपने ये फॉर्मूला लिख लिया है तो हम इसको मिटा देते हैं या तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों, हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग किस प्रकार से करेंगे आप ध्यान से इधर देखते रहिए। इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच गया 1/4 और यहाँ पर 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है दोस्तों। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। आप ध्यान से जो है लिख लीजिएगा फॉर्मूला, 1 dx रहेगा तो क्या होगा, x हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे x लिख देंगे और प्लस में cos²2x है, cos²2x है तो इसको लिख दीजिए cos²2x और dx और -2। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं cos x और dx रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है दोस्तों sin x और प्लस कॉन्स्टेंट। इसमें भी आप कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, जब कभी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट में कॉन्स्टेंट जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे -cos, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, sin x, तो sin लिखेंगे और 2x। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर x के इंटू में क्या है, 2 है तो बटा में 2 चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट का उपयोग कर देंगे तो 2 से 2 क्या जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, यानी बच गया 1/4 और यहाँ पर x + cos²a है। cos² a का फॉर्मूला इंटीग्रेशन करने वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर
तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला। तो दोस्तों हो जाएगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा वन प्लस कॉस टू ए बाई क्या होता है टू, यानी कि साइन स्क्वायर ए रहेगा यहाँ पर तो यहाँ माइनस लगा देंगे, कॉस स्क्वायर ए रहेगा तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस लगा देंगे, दोनों में बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर देखिए ए है तो टू एक्स, अगर यहाँ टू ए रहेगा तो फोर एक्स होगा, अगर यहाँ रहेगा फोर रहेगा तो यहाँ कितना होगा एट होगा, यानी यहाँ पर जितना भी एंगल में होगा इसका एंगल में उसका क्या होता है दो गुना होता है, यानी यहाँ टू एक्स है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा फोर एक्स आएगा, तो वन प्लस में लिख देंगे कॉस फोर एक्स, कॉस टू एक्स है तो यहाँ लिख देंगे कॉस फोर एक्स और इसके बटा में दो और यहाँ पर डी एक्स, माइनस यहाँ पर लिख देंगे साइन टू एक्स। अब देखिए दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं वन बाय फोर और यहाँ एक्स प्लस में वन बाय टू को आप निकाल सकते हैं बाहर में, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट कर दीजिए तो इसको यहाँ कुछ नहीं तो वन है तो वन बाय टू को बाहर कर दीजिए, तो वन प्लस में कॉस फोर एक्स और इंटू में डी एक्स और माइनस में क्या गया दोस्तों साइन टू एक्स और यहाँ पर जो है बड़ी ब्रैकेट का उपयोग करेंगे तो वन बाय फोर आ गया दोस्तों और एक्स प्लस वन बाय टू। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए तो यहाँ पहले से बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं, तो मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे और वन और क्या होगा डी एक्स प्लस में कॉस फोर एक्स और क्या कर देंगे डी एक्स कर देंगे और माइनस में क्या है साइन टू एक्स है और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट, तो यहाँ पर जाएगा वन बाई फोर और एक्स प्लस में वन बाई टू एक का इंटीग्रेशन क्या जाएगा एक्स हो जाएगा और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है दोस्तों, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन एक्स अप्लाई करेंगे तो साइन फोर एक्स हो जाएगा और इसके बटा में क्या जाएगा दोस्तों फोर हो जाएगा, और जो है यहाँ पर जो है वन बाई टू से पहले क्या लगाना है मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग करना है तो यहाँ मिडिल ब्रैकेट कर देंगे और माइनस में साइन टू एक्स है तो साइन टू एक्स कर देंगे। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है वन बाय टू सिर्फ ये दोनों के जो है क्या है इंटू में है और वन बाई फोर इस पूरा का इंटू में है, तो यहाँ पर अगर वन बाय फोर लिखते हैं और एक्स प्लस वन बाय टू से एक्स में गुना करेंगे तो वन बाय टू एक्स प्लस में टू में फोर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा एट हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर लिख देंगे वन बाय एट लिखेंगे और साइन फोर एक्स और यहाँ पर क्या जाएगा माइनस में साइन टू एक्स हो गया दोस्तों। तो एक दो स्टेप और इसमें बचा हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं इसका आंसर कितना आएगा। चलिए दोस्तों तो हमको उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे, तो चलिए दोस्तों जहां पर स्टॉप किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान से वन बाई फोर है और यहां पर कुछ नहीं तो क्या है दोस्तों वन है, तो वन बाई फोर है फिर से लिख देते हैं एक्स प्लस में वन बाय टू एक्स और प्लस में वन बाई एट साइन क्या है फोर एक्स है और माइनस में क्या है साइन टू एक्स है तो साइन टू एक्स लिख देंगे, और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्या करते हैं प्लस में कॉन्स्टेंट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वन बाय फोर से सब में मल्टीप्लाई करना है तो इसमें करेंगे तो वन बाय फोर एक्स प्लस में फोर में टू से कीजिएगा तो वन बाय एट एक्स प्लस में एट में फोर से मल्टीप्लाई कीजिएगा वन बाय थर्टी टू साइन फोर एक्स और माइनस में वन बाय फोर से इसमें करेंगे तो वन बाय फोर साइन क्या आएगा टू एक्स आएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर देखिए फोर और एट कैल्सियम क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एट, यानी यहाँ लिखेंगे टू एक्स और प्लस में एक्स और प्लस में वन बाय थर्टी टू साइन फोर एक्स और माइनस में वन बाय फोर साइन क्या आएगा टू एक्स और प्लस में कॉन्स्टेंट, यानी कि टू और टू एक्स और एक्स को एड कीजिएगा तो क्या जाएगा थ्री एक्स आएगा बाई एट प्लस में वन बाई थर्टी टू साइन फोर एक्स आएगा और माइनस में वन बाई फोर साइन टू एक्स और प्लस में कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन। क्वेश्चन नंबर इलेवन कुछ इस प्रकार से है कॉस के पावर फोर एक्स फोर टू एक्स है, तो जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर टेन बनाया है उसी प्रकार से इलेवन बनाना है, तो आप जो है पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, यदि नहीं बनता है उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन कुछ इस प्रकार है, इसको आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टू एक्स और इसका क्या कर सकते हैं स्क्वायर और यहाँ पर क्या करेंगे डी एक्स। तो जिस प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाया थे उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए
कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए का जो है फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टू ए बाय टू। ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टू ए बाय टू। यहाँ पर साइन लिख देंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए एक एक है तो यहाँ पर दो ए है, यहाँ पर दो ए रहेगा तो कितना होगा चार रहेगा, चार होगा तो कितना होगा आठ होगा। तो यहाँ पर टू एक्स है तो कितना आएगा, टू का फिर से टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स, यानी वन प्लस कॉस फोर एक्स, और इसके बटा में दो, और इसका क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, वन प्लस कॉस फोर एक्स और इसका स्क्वायर, और दो का स्क्वायर क्या जाएगा दोस्तों चार हो जाएगा, और इसको जो है डी एक्स। तो वन बाई, यहाँ कुछ नहीं तो वन है, तो वन बाई फोर को बाहर कर देंगे तो वन प्लस कॉस फोर एक्स और इसका स्क्वायर और इंटू में डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए वन बाई फोर और ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर फोर एक्स लिखेंगे, और प्लस टू में वन से करेंगे तो टू कॉस फोर एक्स और इंटू में डी एक्स। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर वन बाई फोर हो जाएगा और इसको आप अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे वन डी एक्स लिखेंगे प्लस में कॉस स्क्वायर फोर एक्स लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे प्लस में टू कॉन्स्टेंट है इसको बाहर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉस फोर एक्स और क्या लिखेंगे डी एक्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ध्यान से आप देखिए वन बाई फोर है तो वन बाई फोर लिखेंगे और वन का इंटीग्रेशन क्या जाएगा एक्स हो जाएगा, तो एक्स लिखेंगे प्लस में। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे कॉस स्क्वायर ए, एक बार और समझिए, यहाँ पर ए है तो टू ए है, यहाँ टू ए होगा तो यहाँ फोर ए होगा, यहाँ पर फोर ए होगा तो यहाँ क्या होगा एट ए होगा। इसी प्रकार से यहाँ फोर एक्स है तो कितना एक्स लिखेगा, फोर को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी चार को दो से गुना कर देंगे तो आठ एक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वन प्लस में आठ कॉस आठ एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस आठ एक्स और बटा में दो और डी एक्स और प्लस में टू, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन और एक्स के स्थान पर कितना है फोर एक्स है तो फोर एक्स लिखेंगे और इसके बटा में कितना जाएगा, तो जो एक्स के इंटू में कहा जाता है बटा में चला जाएगा, तो यहाँ फोर लिख देंगे और यहाँ पर जो है प्लस कॉन्स्टेंट कर सकते हैं, तो यहाँ टू से टू जो है कैंसिल होगा कितना टाइम्स टू टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से वन बाई फोर और यहाँ पर एक्स और यहाँ जो है कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ के इनटू में कुछ नहीं तो वन है, तो प्लस में वन बाई टू को बाहर करेंगे तो बचेगा वन प्लस में कॉस एट एक्स और क्या बचेगा डी एक्स बचेगा, और प्लस में यहाँ पर बचेगा साइन फोर एक्स और इसके बटा में क्या होगा दो हो जाएगा। तो ध्यान से आप देखिए वन बाई फोर एक्स प्लस में वन बाई टू, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं तो अलग अलग कर दीजिए, तो वन डी एक्स और प्लस में कॉस एट एक्स, तो कॉस एट एक्स लिखेंगे तो कॉस एट एक्स और क्या जाएगा डी एक्स हो जाएगा, और मिडिल ब्रैकेट से यहाँ क्लोज कर देंगे चूंकि इधर वन बाई टू है, और प्लस में साइन फोर एक्स और इसके बटा में क्या होगा दो हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर वन बाई फोर और एक्स प्लस में वन बाई टू, यहाँ पर देखिए वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे, और प्लस में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो साइन आठ एक्स और एक्स के इंटू में आठ है तो बटा में क्या जाएगा आठ जाएगा, और प्लस में लिख देंगे यहाँ मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए और साइन फोर एक्स और बटा में क्या जाएगा दोस्तों दो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं इसका आंसर कितना आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आया था वन बाई फोर, तो फिर से इस स्टेप को लिख देते हैं वन बाई फोर एक्स प्लस में वन बाई टू, तो वन बाई टू में एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या जाएगा वन बाई टू एक्स, टू में एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा वन बाई सिक्सटीन साइन एट एक्स आएगा, तो एट एक्स लिखेंगे, और वन बाई टू में इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इस दोनों में ही करना है, तो यहाँ पर लिखाएगा साइन फोर एक्स बाई कितना टू, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन फोर एक्स और इसके बटा में दो हो जाएगा, इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, प्लस क्या करेंगे कॉन्स्टेंट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है वन है, तो यहाँ पर करेंगे वन बाई फोर से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स आएगा, प्लस में फोर में टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वन बाई एट एक्स आएगा, प्लस में वन बाई
16 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 64 साइन 8x आएगा, और प्लस में 4 में 2 से कीजिएगा तो क्या आएगा 1/8 साइन क्या आएगा 4x, और प्लस में कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, यानी कि 4 में 2 से तो 2x और प्लस में x और प्लस में 1/64 साइन 8x, तो 8x और प्लस में 1/8 साइन 4x लिखेंगे और प्लस में क्या होगा कॉन्स्टेंट, यानी 2 और x को जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 3x आएगा और इसके बटा में 8 आ जाएगा, प्लस में 1/64 साइन 8x प्लस में 1/8 साइन 4x और प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये इस सवाल का क्या आ गया आंसर आ गया, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से है कि साइन स्क्वायर बटा में 1 प्लस कॉस एक्स है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ अप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इसके बटा में 1 प्लस कॉस एक्स और क्या जाएगा दोस्तों डीएक्स। अगर आप दोस्तों 1 के पावर आप कितना भी लिख दीजिएगा इससे 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम 1 के पावर कितना लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। इससे क्या फायदा हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तो एक बार एक प्लस में लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे और इंटू एक बार एक माइनस क्या लिखेंगे कॉस एक्स लिखेंगे और इसके बटा में एक प्लस क्या जाएगा दोस्तों कॉस एक्स हो जाएगा और इंटू में क्या जाएगा डीएक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस एक्स और डीएक्स। तो दोस्तों अब इसको आप अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 1 डीएक्स माइनस कॉस एक्स और क्या जाएगा डीएक्स हो जाएगा, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ सही बोले 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से है कि कॉस 2x माइनस में कॉस 2 अल्फा है बटा में कॉस एक्स माइनस में कॉस अल्फा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कॉस 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ऐसे तो इसका 4 गो फॉर्मूला होता है लेकिन इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a, तो a के स्थान पर क्या है इसमें x है और इसमें क्या है अल्फा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x और माइनस में यहाँ पहले क्या लिखेंगे x और माइनस 1 फिर माइनस फिर इसकी फॉर्मूला के स्थान पर ध्यान से देखिए ये लिखा गया किसके बदला cos 2x के स्थान पर, और इसका अप्लाई करेंगे तो लिख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस में 1। इसको आप मिटा सकते हैं और नीचे में लिख देंगे cos x बटा में cos x माइनस क्या है cos अल्फा और क्या है यहाँ पर dx है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, सही बोले प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या जाएगा माइनस, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस 1 कर दीजिए और इसके जो है बटा में हो जाएगा cos x और माइनस में cos अल्फा हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर dx, तो माइनस 1 और प्लस 1 क्या जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, तो आप क्या कीजिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा cos स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर अल्फा और इसके बटा में cos x और माइनस में cos अल्फा और यहाँ पर dx। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर पहले क्या करेंगे 2 को बाहर कर देंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अभी तुरंत बताएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कॉस एक्स और प्लस में कॉस अल्फा इंटू में कॉस एक्स माइनस में कॉस अल्फा और इसके बटा में जाएगा दोस्तों कॉस एक्स और माइनस में कॉस अल्फा, तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा लिखिए और यहाँ पर डीएक्स। अब क्या करना है दोस्तों, आपको पता होगा क्या करेंगे, इसको इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे, एक स्टेप बढ़िया से पहले लिख लीजिए, यहाँ पर कॉस एक्स और प्लस में क्या है कॉस अल्फा है और इंटू में क्या है दोस्तों डीएक्स है। तो ध्यान से आप देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 2 तो सब में रहेगा बाहर, तो 2 बाहर कर दीजिए, तो यहाँ कॉस एक्स लिखेंगे
और जो है डी एक्स। लेकिन दोस्तों इसमें जो है कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, चूंकि कॉस अल्फा इस एक्स के सापेक्ष क्या है, अचर पद कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देंगे। यहाँ पर कॉस अल्फा को आप बाहर कर दीजिए, तो कॉस अल्फा बाहर कर देंगे तो बच जाएगा केवल क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पर टू और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप बिल्कुल सही बोले साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन एक्स लिख देंगे और प्लस में कॉस अल्फा तो कांस्टेंट था तो इसका तो कुछ होगा नहीं। और यहाँ पर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, इंटीग्रेशन खत्म, तो प्लस क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको टू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो टू साइन एक्स प्लस में आप इसको जो है लिख सकते हैं टू कॉस अल्फा इंटू में एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये इस सवाल का क्या गया आंसर आ गया, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन को किस इस प्रकार से मनाएंगे दोस्तों, पहले आप जान लीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का जो मान होता है क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। तो एक्स लिखिए या थीटा लिखिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन टू एक्स का, या आप साइन टू ए कह सकते हैं, टू साइन एक्स और इंटू में क्या होता है, कॉस एक्स होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। इस दोनों फॉर्मूला का यहाँ उपयोग होने वाला है, तो आप ध्यान से इधर देखिए, यहाँ पर है कॉस एक्स है और माइनस में साइन एक्स है और इसके बटा में वन है, तो वन के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और प्लस में साइन टू ए है, तो साइन टू ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स और इंटू में यहाँ पर क्या जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स और इसके बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बताइए किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बिल्कुल आपने सही सोचा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी। तो देखिए अगर ये पूछा जाए तो इसको बताया जाता है, अगर इसको पूछा जाए तो इसको बता देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पूछा जाए तो क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए के स्थान पर साइन एक्स है और बी के स्थान पर क्या है, कॉस एक्स है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और इसका क्या जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर जाएगा और यहाँ पर डी एक्स लिख देंगे। अब दोस्तों इसको प्रतिस्थापन विधि से बना देंगे यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या करेंगे, टी लेट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इक्वल टू टी और यहाँ पर लिखेंगे लेट, लेट मतलब क्या हो गया दोस्तों, माना हो गया, यानी कि जिसको भी लेट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जिसको लेट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस में डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना चाहिए, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए, पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है साइन एक्स, बिल्कुल नहीं माइनस साइन एक्स होता है। ध्यान से रखिए यहाँ पर ये दोनों डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा और यहाँ पर लिख देंगे डी टी बाई डी एक्स। तो अगर आप इससे डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस में साइन एक्स आएगा और इंटू में क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है वन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डी एक्स और इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसे डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई कॉस एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, डी टी बाई कॉस एक्स माइनस क्या जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए अब क्या करेंगे, चलते हैं प्रश्न से। तो चले देखिए प्रश्न से, प्रश्न में जो दिया हुआ है तो यहाँ पर नहीं जाएंगे दोस्तों, यहाँ से देखते हैं यहाँ से। तो ध्यान से देखिए फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, तो कॉस एक्स है और माइनस में साइन एक्स है और इसके बटा में लिखा हुआ है दोस्तों साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और इसका क्या करेंगे,
होल स्क्वायर और इंटू में डीएक्स। अब ध्यान से देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इसके बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या लेट किए थे, टी लेट किए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे टी का स्क्वायर और इंटू में डीएक्स। तो डीएक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों, डी टी बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिख देंगे डी टी बाई कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स। अब देखिए ध्यान से दोस्तों कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और नीचे में प्लस में टू है, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी टी इनवर्स टू और डी टी। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप बताइए, यहाँ पर करना है एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन। बताइए क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन। यदि आपको पता नहीं है तो यहाँ ध्यान से देखिए एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन और प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे टी के पावर माइनस दो प्लस वन बटा में माइनस दो प्लस वन और प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या जाएगा टी के पावर माइनस टू और प्लस वन, तो माइनस वन और बटा में माइनस दो और प्लस वन, तो माइनस वन और प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये माइनस और माइनस क्या जाएगा, प्लस, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, माइनस और माइनस बिल्कुल भी प्लस नहीं होने वाला। ध्यान से देखिए क्या होगा, तो माइनस को ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर माइनस और टी इनवर्स और प्लस कॉन्स्टेंट, तो माइनस और टी इनवर्स ऊपर में माइनस में है, नीचे आ गया तो क्या जाएगा प्लस में, यानी टी के पावर ऊपर में प्लस था नीचे आ गया तो माइनस प्लस कॉन्स्टेंट। अब ध्यान से देखिए दोस्तों माइनस वन बाई टी, तो टी के स्थान पर क्या लेट किए थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेट किए थे, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और प्लस में क्या जाएगा दोस्तों, कॉन्स्टेंट। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिए।